सो फिलहाल हो गया है यहाँ पे ब्रेक खत्म, अभी फिलहाल चलते हैं जीरो की तरफ। चलो भाई सीधू चले, अभी निकलते हैं यहाँ से जीरो पॉइंट। मनोज भाई कितना टाइम लगेगा यहाँ से? अभी एक घंटा, एक घंटे में जीरो में मिलेगा आपसे। चलो तो ये यमथंग से जीरो जाने के रास्ते में परमिट पॉइंट आएगा, यहाँ पे परमिट दिखा के फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। सो ये रहा वो परमिट सेंटर। तो फिलहाल हम लोग यमथंग वैली से 10 किलोमीटर पहले रुक गए हैं और बहुत बर्फ के चलते गाड़ी स्किड कर रहा है और आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है, 10:30 हो गया है अभी और ठंड भाई अभी भी माइनस में टेम्परेचर होगा यहाँ पे, कम से कम -6-7 तो होगा ही होगा। और यहाँ पे रुक के कुछ फायदा भी नहीं है, फोटो वोटो खींच लेंगे और यहाँ से निकल वैली चलना पड़ेगा, तो फटाफट फोटो खींचते फिर निकलते हैं यहाँ से। चलो आगे मिलते हैं कहीं पे। सो अभी निकलते हैं यहाँ से, पर किस रास्ते से हम लोग आए थे, पत्थर के ऊपर चढ़ के आए थे, अभी जा रहे हैं गाड़ी के पास। बाकी लोग गाड़ी में बैठे हैं, बहुत फिलहाल मनोज भाई गए हैं कुछ मैगी खाने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ये सोचा थोड़ा ऊपर चलते हैं सुनरा भाई फोटो फोटो खींचते हैं, लेकिन उसके लिए सोचना पड़ रहा है क्यों, ठंड बहुत ज़्यादा है। और चलो क्या ऊपर ऊपर थोड़ा चलते हैं, फोटो फोटो खींचते हैं। और गाड़ी बहुत भीड़ है अभी यहाँ पर और पूरा ट्रैफिक लग गया है यहाँ। सो जितना जल्दी हो यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो फिर फंस जाएँगे फालतू का। सो वीडियो शूट फोटो शूट के लिए कहाँ आना पड़ रहा है, देखो वो रहा नीचे गाड़ी और हम लोग ऊपर चढ़ के आए हैं, इतना ही ऊपर आए हैं लेकिन सांस फूल रहा है और पूरा बर्फ ही बर्फ, बहुत मोटा बर्फ गिरा है यहाँ पे। पिछले बार भी हम ऑलमोस्ट कई इसी तरह जगह पे फोटो फोटो खींचे थे, तो हम लोग चढ़ के आ गए लेकिन सांस फूल रहा है। सो एवरीथिंग सो फार सो गुड। फिलहाल अभी बर्फ के बीचों बीच खड़ा हूँ, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और बीच में मैं हाथ में भी ले सकता हूँ बर्फ। तो फिलहाल फोटोशूट हो गया, अभी नीचे उतरते हैं, लेकिन लेकिन फिसलन बहुत है क्योंकि बर्फ पूरा हार्ड हो गया है, जम गया है और रिस्की भी है। सो सब लोग जा चुके हैं, अब मेरी बारी है, मैं उतर रहा हूँ। कौन सी जगह पे जाऊँगा, यहाँ से गए वो लोग? और चीतू वहाँ पे खड़ा है क्योंकि कल उसका तबीयत थोड़ा डाउन था, तो इसलिए ऊपर भी आना सही नहीं है, ज़्यादा ऊपर जाने से सर चकरा रहा है यार। तो चीतू फिर भी ऊपर थोड़ा आ गया एंड अभी मैं नीचे उतर रहा हूँ, थोड़ा डर भी लग रहा है आराम से, आराम से। क्योंकि ये पूरा जम गया है तो फिसलन भी है। सो अभी कैमरा जाएगा चीतू के पास, तो मेरा भाई आ रहा है, आराम से आ भाई। और ये रहा मेरा भाई, हाथ दे हाथ दे हाथ दे हाथ दे, आराम से हाथ दे, हाथ दे हाथ दे, इधर उधर नहीं, उधर नहीं, किधर से? उधर से जा, उधर से, वो घास के घास पे जमीन पे रख पैर। तो मेरा दोस्त को बता रहा था कि कहाँ कहाँ से नीचे जाना है, तो हम लोग अभी नीचे उतरने वाले हैं। तो मेरा भाई को डर लग रहा है, बहुत ऊंचाई पे है तो स्लिपरी है, थोड़ा स्लिप कर रहा है, स्किड कर रहा है, तो सांस भी फूल रहा है, सांस भी फूल रहा है, ज़्यादा ऊंचाई पे चला गया था ना वो,
तो मैं ज़्यादा नहीं जा पाया, वो सर चकरा रहा है मेरा। अभी यहाँ से नीचे जाएंगे हम लोग, आ गए हमारा दोस्त, अभी नीचे उतरेंगे। सब भाई बहुत कष्ट है लेकिन बहुत मज़ा भी आ रहा है। मज़ा तो आ रहा है पर मेरा तो थोड़ा मूड ऑफ हो गया, क्योंकि 0.10 किलोमीटर पहले आर्मी वाले रोक दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुआ है कल रात को, तो कोई नहीं चलता है। तो गुरुडोंग मार ले नहीं गए थे तो वो हो गया, ये बंद हो गया, कोई नहीं चलता है, देखेंगे आगे क्या क्या होता है। सो इस बार तो फेलियर हो रहे हैं लेकिन मनोज लेके आया, थैंक्स टू मनोज, इतना दूर तक लेके आया फिर भी। सो इस बार तो नहीं हो पाया 0.10 किलोमीटर पहले रुके, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट पता नहीं कब आएंगे लेकिन आएंगे ज़रूर। और चीतू ये जा रहे हैं अभी कैमरा से। सो फिलहाल सही सलामत नीचे आ गए चीतू और मैं, और अभी 11:30 हो गया और चलते हैं नीचे की तरफ यूमथंग वैली। अगर कहीं पे व्यू पॉइंट है तो वो भी शूट करेंगे। फिलहाल चलते हैं यूमथंग वैली की तरफ। सो जीरो से यूमथंग जा रहे थे और रास्ते में कहीं पे रोक दिए, यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है और यहाँ से व्यू कुछ बढ़िया दिखता है, और ऊपर का पहाड़ देखो भाई कितना लंबा लंबा पहाड़ है। सुबह वही ब्रेड ऑमलेट खाए हैं और यूमथंग में चाय पिए और फिलहाल कुछ नहीं खाए, और यहाँ से देख रहे हो ये जिगजैग रूट नीचे पूरा गया है और ये पूरा वैली है, दो साइड पूरा पहाड़, नीचे गया है रास्ता और तीसरा रिवर भी शायद गया है। सो सही है। और चीतू आ रहा है, चीतू कैसा लग रहा है ये जगह? अरे यार क्या बोलूं, ऑसम है यार। और मतलब वो वाला पहाड़ देख लो, जन्नत है जन्नत, वो वाला पहाड़ देख ले भाई, मतलब लग रहा है कोई मतलब ऐसे काट के बना के रख दिया है पहाड़ को। अगर लक सही रहा तो आप लोग बाकी जगह पे पहुंच सकते हैं, नहीं तो देख रहे हो कहीं पे भी नजर घुमाओगे बर्फ। तो अभी फिलहाल चीतू और मैं आए हैं और सब गाड़ी में है, बोले हम थोड़ा टायर्ड हो गए ऊपर चढ़ के तो बैठे हैं वो। नहीं एक्चुअल में अभी ये जगह पे भी जो है इतना हाइट में नहीं है फिर भी सांस फूल रहा है। हाँ। थोड़ा चलो सांस फूल रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट ये हाई ऑल्टीट्यूड है। ये आगे का थोड़ा नजारा दिखा देना भाई। बार आ चुके हैं कभी ऐसा नजारा नहीं मिला इस बार। हाँ इस बार भगवान भी उम्मीद से भर भर के दिए हैं, और थोड़ा मूड ऑफ हो गया वो 0 पॉइंट आगे आर्मी वाले रोक दिए, तो आर्मी वाले का बात तो टालना नहीं पड़ेगा, सफल टूर है। सो जबरदस्त। फिलहाल बहुत ठंड है, अभी चलते हैं गाड़ी में और निकलते हैं यूमथंग वैली की तरफ। फिलहाल अभी यहाँ पे 5 मिनट बोले थे, 15 मिनट का ब्रेक हो गया, सांस भी फूल रहा है, ठंड भी ज़्यादा है इसलिए कैप डाल दिया। बाकी लोग भी आ रहे हैं, अभी निकलेंगे जाएंगे और एक व्यू पॉइंट है शायद रास्ते में, फिर जाएंगे यूमथंग वैली। यूमथंग वैली वैली में संग्राम भाई मैं सब लोग मस्ती करेंगे वहाँ पर। अभी मैं भी सब सही हो ना। सो फिलहाल सब लोग आ गए हैं और चीतू हमेशा लेट करता है फोटो खींचने में, खुश नहीं रहता है कभी, जितना भी अच्छा फोटो आएगा वो खुश नहीं रहेगा, यहाँ पे ये कमी है वो कमी है, और फोटो खींचा रहा है। फिलहाल हम लोग मनोज भाई मैं संग्राम भाई सत्या सब लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और बहुत ठंड है, मेन चीज़ है इतना हाई ऑल्टीट्यूड है, थोड़ा सा भी पैदल चलो तो सांस फूलता है, ठीक है इसी के लिए तो हम लोग आए हैं। सो थैंक यू मनोज भाई। सो रिटर्न कर रहे थे यूमथंग वैली के लिए, कितना कलरफुल फ्लैग लगा है, तो यहाँ पे रुके थोड़ा बहुत फोटो खींचने के लिए, एंड व्यू कुछ ऐसा है यहाँ से। सो मेरे भाई लोग वहाँ पे फोटो खींच रहे हैं, ठंड लग रहा है लेकिन कोई फर्क नहीं।
सो चलते हैं अभी नीचे। सो ठंड धीरे धीरे बढ़ रहा है तो हम लोग फटाफट गाड़ी की तरफ भाग रहे हैं। फोटो फोटो हो गया, अभी गाड़ी में बैठना है। चलो भाई, तो फोटो फोटो खींच नहीं रहे, बोलो जितना जल्दी हो चलते हैं। ठंडा लग रहा है, खोल दो इसको। चलो भाई, फिर से हम लोग अभी आ गए हैं युमथांग वैली में। ऊपर से आगे नीचे यहाँ पे चाय पियेंगे, फिर जाएंगे वैली की तरफ। मतलब सवा बारह हो गया है दोपहर का, वही डेढ़ दो बजे तक होटल पहुँच जाएंगे। फिलहाल चाय भाई पी लो, चाय सीधू आ जाओ, चाय भाई पी के फिर निकलते हैं यहाँ से। आप लोग बैठिए, मैं गाड़ी आगे लगा देता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग चल के जा सकते हैं उधर। हाँ ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, अगर छोड़ दें तो वहीं पर तो है, यहीं से नीचे तो जाएंगे। वो नीचे तो गाड़ी डालने नहीं देगा, वो तो सिर्फ कोयरी के लिए, कोयरी माने सेंट लेने के लिए। अच्छा तो चलो चलो ठीक है, मनोज भाई जैसे बोले यहीं से नीचे जा सकते हैं ना। यहाँ से नहीं, थोड़ा आगे से नीचे। ठीक है ठीक है, देखो बोल दिया ना चाय। हाँ चाय तो बोल दिया, तो चाय पी के फिर गाड़ी यहाँ पे एक्चुअली लगाने नहीं देता ना, हजार रुपये फाइन। हाँ चला राइट नाउ हम लोग है युमथांग वैली में 11,500 फीट के ऊपर, और हम लोग अभी नीचे उतर रहे हैं। फिलहाल चलेंगे उधर पानी जहाँ पे है। चीतू को बहुत सारा फोटो लेना है, घुमा दे सबको लेना है, मुझे नहीं घुमा दे। मतलब किसको घुमा दे? कैमरा को। अच्छा कैमरा को घुमा दे, कैमरा मुंडी घुमा। सो जैसे चाय पिए वहाँ पे चीतू और मैं सत्या शायद तीन बोले कि यहाँ पे आएंगे, शक्ति और संग्रह भाई मना कर दिया, बोले नहीं यार उधर कौन जाएगा। लेकिन आने के वो दोनों, लेकिन आने के टाइम में पांच आ गए। हाँ वो भी सबसे आगे, वो फ्लैग जहाँ है फोटो खींचेंगे वहाँ पे। और पानी इस बार कम है नहीं? अरे अगली बार आए थे सितंबर में ना, तो बारिश के चलते पानी ज्यादा था। इस बार पानी फरवरी एंड तक आ गए, मतलब पानी है ना, पानी कम है, कम है। तो फाइनली पहुंच गए हम लोग पानी के पास, और दिस इज युमथांग वैली, दिस इज 360 व्यू। नीचे कुछ लोग हैं और हम लोग अभी पानी के पास पहुंच गए हैं, और इस बार थोड़ा बहुत चेंजेस भी किए हैं वहाँ पे, कुछ कुर्सी वर्सी भी लगा दिए हैं बैठने के लिए। और बाकी बंधु लोग नीचे उतर रहे हैं, पानी की तरफ जा रहे हैं। फायदा नहीं है भाई, इतना ठंड वैसे भी है, लेकिन दोस्तों की बात तो मानना पड़ेगा। सब लोग चले गए हैं पानी के पास, और अभी हम लोग जा रहे हैं पानी के पास। और एक वो बोल रहे हैं कि कहीं पुल है, अच्छा वो काट की पुल है दूर पे, उधर जाके फोटो फोटो खींचेंगे। कि हवा तो ऐसे बाल ही खराब हो रहा है। सो फिलहाल मैं चलता हूँ नदी की तरफ, और थोड़ा व्यू दिखाता हूँ आपको। नदी में शायद कुछ अलग टाइप का मछली भी रहता है, जो मैं सुना था लोकल से। और पानी एकदम बर्फ की तरह है, मतलब वही एक ग्लेशियर से पानी आ रहा है। तो थोड़ा मैं टच करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में पानी अभी कैसा था। अरे बाप, मतलब लिटरली लगा कि बर्फ को हाथ में पकड़ लिया, इतना ठंड है। और फिलहाल वैली का व्यू कुछ ऐसा है, धीरे धीरे ऊपर बादल जम रहा है और धीरे धीरे मौसम ख़राब हो रहा है, लेकिन यहाँ पे धूप है। और हम लोग जाएंगे फोटो फोटो खींच के सीधा रूम, और रास्ते में शायद हॉट स्प्रिंग वाटर एक है, उधर भी फोटो फोटो खींचेंगे। सो मेरा भाई डेडिकेशन दिखा रहा था फोटो कुछ फोटो खींचने के लिए, जो डेडिकेशन दिखाया था उसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आया। ऐसा क्या है, हम लोग तो ये मार्किंग दे है ना, लेकिन फोटो मस्त खींचा है।
देख लो भाई अगर झूठ बोल रहा हूँ तो। नहीं फोटो मोबाइल का कैसे थे ना जो उठाए उससे कैसे थे? नहीं दोनों के कैसे, लेकिन फोटोग्राफर भी हम लोग क्या है दमदार फोटोग्राफर रहे ना, हम लोग पैसा दे के हायर करते हैं ऐसे फोटोग्राफर को हमारे ट्रिप में। 50,000 लिया है सिर्फ फोटो खींचने के लिए। कुछ भी मतलब हायर, वाह नाइस वर्ड हायर। अरे इतना बड़ा बड़ा यूट्यूबर जो घूमते हैं हायर करके घूमते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? तो हम तो बड़ा नहीं है ना, बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी तो चार्जेस नहीं ले रहा हूँ, आगे लूंगा। सो नहीं है करने के लिए तो फिलहाल अभी सब कुछ धीरे धीरे हाथ पैर सब सुन हो रहा है, अभी निकलेंगे और जाने के टाइम में और एक कप चाय भी पी लेंगे। चलो और फिर जाएंगे वो हॉट स्प्रिंग वाटर की तरफ। फिलहाल आज सबका तबीयत सही है, सही है, मौसम ही सही है ना, मौसम सही है, खुला है मौसम, लेकिन वो देखो ऊपर धीरे धीरे मौसम खराब हो रहा है, तो यहाँ पे मौसम खराब होने से पहले हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। भाई चल तू और मैं बैठ के नहीं फोटो उठाए, चलो चलो हम लोग दो तीन ले लेते। सो फिलहाल अभी जैकेट चेंज कर लिया फोटो के लिए, शक्तिया जैकेट मैंने पहन लिया और मेरा जैकेट वहाँ पे पड़ा है। यहाँ से ये वाला लोकेशन हम लोग ढूंढे हैं फोटो खींचने के लिए। सो एवरीथिंग इज गुड राइट नाउ, सत्य आया है फोटो मेरा खींचने के लिए, तो अभी कैमरा बंद करते हैं और फोटो खींचते हैं। फोटो खींचने के लिए बड़ा सा पत्थर है और नीचे पानी, एंड सत्या मेरा फोटो ले रहा है। सो कैमरा बंद करते हैं पहले। सो फोटो सेशन हो गया ख़त्म, अभी निकलने का टाइम आ गया, और लेकिन ये वाला चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ेगा। नहीं जाऊँगा, शक्ति चला जाएगी तो हम लोग चले जाएंगे। तो फिलहाल चढ़ते हैं ऊपर, ये लोग देखो कैसे चढ़ रहे हैं। जी तो जल्दी आ मेरे भाई। तो देखते देखते डेढ़ बज गया, प्लानिंग था 1 बजे तक निकलने के लिए यमथांग से। फिलहाल चल रहे हैं सब यमथांग वैली से, बस 10 मिनट आगे आए ही हो गए। यहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग वाटर है तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं फिलहाल। अभी टाइम डेढ़ हो गया है शायद, सो मौसम फिलहाल सही है, थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा, तो रास्ता ऐसा ही है। शक्ति कोई आ रहा है? जीतू आ रहा है और शक्ति और मैं। तो अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं हॉट स्प्रिंग वाटर की तरफ, वो रहा हॉट स्प्रिंग वाटर। और ये एक लोहे का पुल है और इसके ऊपर से गुजरना पड़ेगा। तो नीचे तीसरा रिवर और ये वाला ब्रिज और वो रहा हॉट स्प्रिंग वाटर। सो फिलहाल अभी ब्रिज के ऊपर जा रहे। अरे यार ये अच्छी खासी हिल रही है, मतलब लगेगा पहले तो डर लगेगा जैसे पहला पैर रखोगे, लेकिन अभी मज़ा आ रहा है। और क्या जगह है वो, मतलब जो हवा चल रहा है गोली की तरह हवा चल रहा है। आप सबका स्वागत है यमथांग वैली में, और ये यमथांग वैली से थोड़ा सा आगे है हॉट स्प्रिंग वाटर है यहाँ पे, और फिलहाल जगह A1 है। और हम लोग यार सोच रहे थे कब से आने के लिए, एंड भाई आप विश्वास नहीं करेंगे इतना बढ़िया जगह है। सो सत्या थैंक यू, कैमरा के पीछे सत्या है, एंड चलो सत्या चलते हॉट स्प्रिंग वाटर की तरफ। तो फिलहाल हम लोग बढ़ रहे हैं हॉट स्प्रिंग वाटर की तरफ जो कि एकदम पास में ही है, और मेरे साथ में सत्या, बाकी लोग शायद चले गए। ऐसी जगह में आके ये सब जगह मिस करना नहीं चाहिए, मिस करने से अच्छा नहीं लगेगा, क्या पता कब आएंगे फिर। तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर चढ़ के जा रहे हैं हॉट स्प्रिंग वाटर की तरफ, दैट इज हॉट स्प्रिंग वाटर। ये रहा सत्या, आ गया
सो ये जो घर बना है इसके अंदर है हॉट स्प्रिंग वाटर का सोर्स है, हम लोग उधर से आए हैं। पानी पर गर्म हूँ ये नेचुरल है, नेचुरल ना। हाँ यार एक्चुअली गर्म है पानी इतना ठंड में। ऐसा में एक वाटरफॉल है। हाँ वाटरफॉल की तरह जो तप्त पानी। हाँ एक्चुअली इसके अंदर गर्म पानी है और इतने ठंड में बढ़िया है। इसके नेक्स्ट ईयर कभी प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आके नहाएंगे और ये बॉडी के लिए, बॉडी के लिए भी अच्छा होता है। तो फिलहाल चलते हैं नीचे, बाकी दोस्त वेट कर रहे हैं। टाइम में फिलहाल ये वाला एक रेलिंग टाइप का है, स्लोपिंग है और इसके ऊपर चढ़ूंगा, थोड़ा फोटो खींचूंगा। ऐसा मन में कीड़ा आ रहा है, देखते हैं कहां तक सक्सेस हो पा रहा है। अरे डर लग रहा है थोड़ा। एंड नहीं 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 सत्या स्लिप कर रहा है। एंड फोटो वोटो खींच लेते हैं थोड़ा। सो फाइनली जिस ब्रिज के थ्रू गए थे हॉट स्प्रिंग वाटर की तरफ, उसी ब्रिज के ऊपर फिर से हम लोग जा रहे हैं। कलरफुल प्रेयर फ्लैग लगा है, उसका बात ही कुछ अलग है। ये वाला जगह पे कम से कम एक दो घंटा लेके आना चाहिए, जो कि हमारे पास अभी नहीं है। जाएंगे होटल, होटल पे लंच करेंगे। कल लंच स्किप हो गया था तो हम लोग आज नहीं चाहते वो स्किप करना। So, अभी 3:15 हुआ और अभी हम लोग पहुँचे हैं रूम पे और अभी जाएंगे हम लोग लंच करने के लिए। संग्राम भाई सब लोग अभी बिजी है और बस नेटवर्क में जैसे आए सब लोग घर से बात कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं। एंड दिस इज द होटल आज के लिए। ये लाचुंग में हमारा होटल है और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है, बढ़िया होटल मिला है हम लोगों को। सो अभी फ्रेश होके पहले लंच कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग से बात करते हैं। और मनोज भाई बढ़िया लंच कर लेते हैं अभी नीचे। तो चल अभी फोटो दे रहा हूँ भाई का। सत्या यहाँ पे चाबी लगा है, लॉक कर दे इसको फिर निकलते हैं। सो कहाँ पे इस साइड में नीचे है ना। तो संग्राम भाई बात कर रहे हैं अभी। एंड अच्छा होटल थोड़ा यहाँ से देख के जाना पड़ेगा। संग्राम देख के सर लग सकता है वहाँ पे। बाकी लोग तो चले गए हैं कहाँ पे। अरे शक्ति तो, शक्ति तो लंच भी कर लिया है और नहीं सही है, भूख तो लगा है। और यहाँ पे कुछ हमारा लंच रेडी है यहाँ। सो लंच इज डन। धीरे धीरे ठंड बढ़ रहा है और अभी जा रहे हैं रेस्ट करेंगे। और मनोज भाई जा रहे हैं परमिट के लिए बात करेंगे। अगर कटाव का परमिट मिल गया हम लोग को तो आज ही कटाव घूम लेंगे, नहीं तो कल सुबह का अगर मिलेगा तो कल सुबह घूमेंगे। और गाइस व्यू। सो अभी फिलहाल चलते हैं रूम के अंदर, थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि सुबह से जो निकले थे रेस्ट नहीं मिला बॉडी को। एंड दिस इज आवर रूम। वहाँ पे एक बेड है डबल बेड और यहाँ पे भी एक बेड है, टीवी है आज यूजुअल और यहाँ पे बाथरूम है। सो फिलहाल के लिए ठीक है और ठंड धीरे धीरे बढ़ रहा है, रात कोलैप्स हो रहा है। सो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, मिलते हैं। सो रात के 9 बजे है और मेरा एडिटिंग का काम चल रहा है, हो सकता है कल तक व्लॉग आ जाएगा। रेडी। सो फिलहाल अभी सब लोग रेडी हो रहे। आ जाओ भाई, चलो रेडी हो गए। सत्ती को ठंड लग रहा है, ठंड नहीं है, हवा चल रहा है यार। चल फिर भी वो देखो अंदर बैठा है तो चलो नीचे थोड़ा कुछ खा के आ रहा है। तो हाफ पैंट पहना है, देखो हाफ पैंट पहन के मेरा भाई का जिगरा देखो। मैं तो ये ट्रैक। तो फटाफट चलते हैं, 9 बजे है अभी, एडिटिंग का काम थोड़ा बाकी है, एडिटिंग करेंगे। तो रात के 9 बजे अभी यही लाचुंग में हल्का हल्का ड्रिजलिंग चल रहा है, हो सकता है कि स्नोफॉल भी हो सकता है, चांसेस है लेकिन पता नहीं। और ये हमारा रहा डिनर पॉइंट, यहाँ पे जाके डिनर करेंगे अभी। सो ये रहा हमारा डिनर पॉइंट और यहाँ पे बफेट सिस्टम है और खाने में है चावल, दाल और कैबेज की सब्जी और ये है मटर पनीर और
रोटी पापड़। सो फिलहाल डिनर खत्म हो गया, अभी सब बढ़िया से खाना खा लिए, बढ़िया खाना था। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो फिलहाल चलते हैं रूम, क्योंकि ठंड बढ़ रहा है और बाहर बारिश चल रहा है, और जाके बस आज रेस्ट करना है, कल देखते हैं कल सुबह का प्लानिंग क्या होता है। सो अभी एडिट का काम ख़त्म हुआ और फाइल फाइनली रेंडरिंग हो रहा है, और टाइम अभी ऑलमोस्ट 10:30 हो गया है रात का, सब लोग सो गए, संग्राम भाई और सत्या। सो चलिए गाइस, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय, कीप स्माइलिंग। चना खाऊ वर्तमान भाई, मैं चना खा रहा हूँ अभी के लिए, अभी के लिए। फोटो शूट आप लोग बहुत तरह के देखे होंगे, लेकिन डेडिकेशन देख रहे हो, कैमरामैन चीतो, कैमरामैन चीतू, और सुनिए पोज देते हुए हमारा संग्राम भाई, क्या डेडिकेशन है ब्रो। उठो